अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर सिक्स इंग्लिश लेक्चर है। इसके अंदर हम नॉवल मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 10 के हवाले से बात कर रहे थे। आज हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट था टेक्स्ट का, चैप्टर नंबर 10 का, उसको इवेल्यूएट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में बात की थी, ये वो चेंजेस जो इन अर्ली 20th सेंचुरी में अकर हुई थी उनके बारे में बात की थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लॉक्स जो है वो डाउन के बारे में बात की थी, स्ट्राइक्स के बारे में बात की थी, इसके हवाले से चाइनीज़ लेबर के हवाले से बात हुई थी, टैरिफ रिफॉर्म के हवाले से बात हुई थी, ड्रेडनॉट, मार्कोनी, होम रूल फॉर आयरलैंड के हवाले से, और डॉक्टर क्रिपन के हवाले से, सफ्रजेट्स के हवाले से, द लाइन ऑफ चटालजा के हवाले से हमने बात की थी। ये तमाम तर जो है वो इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिक इवेंट्स हैं और इसके अंदर कुछ हिस्टोरिक फिगर भी हैं, जैसे कि डॉक्टर क्रिपन है, सफ्रजेट्स है, लाइन ऑफ चटालजा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और ये बाल्कन वार को इंडिकेट करता है जो बल्गारिया और टर्किश के दरमियान में हुई थी, उसकी तरफ इसका इशारा है। इससे अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एन अप्रैल इवनिंग विंडी एंड रेनी, यानी अप्रैल की एक शाम विंडी जिसमें तेज़ हवा चल रही थी, आंधी थी एंड रेनी और बारिश का मौसम था। अप्रैल की एक शाम को तेज़ हवा और बारिश हो रही थी। द फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मीन यहाँ पे है चौथी क्लास, चौथी जमात। कॉन्स्टिट्यूइंग मीन होता है तशरीह करना, इम्पॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम के हवाले से। कॉन्स्टिट्यू मीन होता है तर्जमा करना या तशरीह करना। इसके सिनोनिम के लिए हम ट्रांसलेट भी और इंटरप्रेट भी यूज़ करते हैं। सिनोनिम के हवाले से हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसलेट या इंटरप्रेट। वर्जिल, वर्जिल आपके पास इंपॉर्टेंट फिगर है हिस्टोरिकल। वर्जिल, वर्जिल बेसिकली पोएट है और ये बीसी कबल मसीह का पोएट है, बीसी का पोएट है और इसका ताल्लुक बेसिकली किससे है, रोम से है, रोमन पोएट, रोम से इनका ताल्लुक है। ठीक है, ये नियर अबाउट जो है वो वर्जिल बीसी कबल मसीह में पैदा हुआ था, रोम और इटली में पैदा हुआ था, रोम से इसका ताल्लुक है, उसे हम वर्जिल कहते हैं। नॉट वेरी इंटेलिजेंटली, इंटेलिजेंटली होता है अकलमंदी से, ज़्यादा अच्छे तरीके से, यानी फोर्थ फॉर्म जो है कॉन्स्टिट्यूइंग तशरीह कर रही थी, तर्जमा कर रही थी, वर्जिल की शायरी का तर्जमा कर रही थी, लेकिन वो ज़्यादा इंटेलिजेंटली अकलमंदी से, वाइजली सिनोनिम के तौर पर हम क्या यूज़ करेंगे, वाइजली दानिशमंदी से ऐसा नहीं कर पा रहे थे। फॉर देयर वॉज एक्साइटिंग न्यूज़, एक्साइटिंग का मतलब होता है पुरजोश कर देने वाला भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है परेशान कुन, एक्साइटिंग परेशान कुन, थ्रिलिंग भी कहते हैं और डिस्टर्बिंग भी कहते हैं, यानी एक परेशान कुन खबर थी इन द पेपर्स अखबारात में। अच्छा, ये अखबारात के अंदर जो खबर थी ये टाइटैनिक के हवाले से थी, यानी इसी दौर में या इसी टाइम पीरियड के अंदर जो है वो टाइटैनिक का हादसा हुआ था। यहां हम बात करेंगे टाइटैनिक के हवाले से। ये टाइटैनिक जो है ये नियर अबाउट इन 1912 में जो है वो आइसबर्ग से जा टकराया था और डूब गया था अटलांटिक ओशन। ये डूबा कहाँ था, अटलांटिक ओशन के अंदर इसका जो है वो मतलब ये डूब गया था। यंग ग्रेसन इन पर्टिकुलरली वाज केयरलेस एंड प्री ऑक्यूपाइड। यंग ग्रेसन मीन होता है छोटा ग्रेसन, इन पर्टिकुलर खास तौर पर वाज केयरलेस, केयरलेस होता है यानी लापरवाह, बेफिक्र, या इसे केयरलेस था एंड प्री ऑक्यूपाइड और महव था, खोया हुआ था, फिक्रमंद था और खोया हुआ था। प्रीऑक्युपाइड होता है महव को भी कहते हैं, मगन को भी कहते हैं, मगलूब को भी कहते हैं। इसके लिए अब्जर्ब का लफ्ज़ भी यूज़ होता है और इनग्रॉस्ड का लफ्ज़ भी यूज़। इनग्रॉस्ड होता है यानी अपने ही आप में खोए हुए होना। ठीक है, अ क्वाइट नर्वस बॉय, क्वाइट मीन होता है खामोश तबा,
नॉट टॉकटिव, यानी ज्यादा बातें ना करने वाला, नर्वस होता है परेशान कुन। नर्वस क्या होता है? वरिड को भी कह सकते हैं आप, वरिड एक परेशान लड़का। ग्रेसन स्टे बिहाइंड, ग्रेसन मिस्टर चिप्स ने कहा ग्रेसन ग्रेसन स्टे बिहाइंड, पीछे खड़े हो जाएं, स्टे बिहाइंड पीछे खड़े हो जाएं। आफ्टर द रेस्ट, आफ्टर द रेस्ट होता है के पीछे, द रेस्ट मीन होता है जो बैठे हुए हैं इनके पीछे खड़े हो जाएं, यानी ये सजा के तौर पर। बिकॉज ही वॉज नॉट एन एक्टिव इन द क्लास एट दैट टाइम, वो उस वक्त क्लास के अंदर एक्टिव नहीं था और वो अपनी ही जात में मगन था, तो इसलिए मिस्टर चिप्स ने उसे कहा कि ग्रेसन आप ऐसा करें कि आप जो है बैठे हुए लोगों के पीछे खड़े हो जाएं, उनसे पीछे खड़े हो जाएं। देन ग्रेसन, फिर ग्रेसन, आई डोंट वॉन्ट टू बी सिवर, सिवर मीन होता है सख्ती करना, सिवर मीन होता है सख्त या सख्ती करना, हार्श या स्ट्रिक्ट, मैं आपके साथ सख्ती इख्तियार नहीं करना चाहता, मैं आपके साथ सख्त रवैया इख्तियार नहीं करना चाहता। बिकॉज यू आर जनरली, क्योंकि आप अमूमन तौर पर प्रीटी गुड, बहुत अच्छे हैं, कदरे अच्छे हैं, कदरे अच्छे होने से मुराद ये है कि तुम अपने काम के अंदर एक ऑफनली एक एक्टिव बॉय हो, एक एक्टिव लड़के हो, तुम अपना काम अच्छे तरीके से करते हो। इन योर वर्क, अपने काम, तुम अपने काम में अच्छे हो, बट टूडे, लेकिन आज यू डोंट सीम, आप महसूस नहीं हो रहे, यानी आप अपने काम के अंदर दिलचस्पी लेते हुए महसूस नहीं हो रहे, दिखाई नहीं दे रहे। आगे फिर साउंड है टू हैव बीन ट्राइंग एट ऑल, तुम आज जो है वो ट्राइंग एट ऑल, बहरहाल आज तुम कोशिश करते हुए महसूस नहीं हो रहे। इज एनीथिंग द मैटर, क्या कोई मसला है, क्या कोई गड़बड़ है, क्या कोई परेशानी है, क्या कोई प्रॉब्लम है? नो नो सर, नो नो सर, नहीं जनाब, कोई मसला नहीं है। वेल अच्छा, वी विल से नो मोर अबाउट इट, वी शैल, विल से नो मोर अबाउट इट, हम इसके बारे में मजीद बात नहीं करेंगे। बट आई शैल एक्सपेक्ट, लेकिन मैं तवक्को करूंगा, मैं उम्मीद रखूंगा, बेटर थिंग्स नेक्स्ट टाइम, कि अगली मर्तबा तुम चीज़ों को अच्छी तरह से करोगे, मतलब तुम अगली बार ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करोगे, लापरवाही का जो है वो रवैया इख्तियार नहीं करोगे और अपने काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम दोगे। नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज नॉइज्ड अराउंड द स्कूल, नॉइज्ड होता है शोर बपा होना, ठीक है, कोई बात फैले हुए होना, या कोई भी बात जो हर जुबान पे मौजूद हो, या जो है वो जुबान ज़दे आम, ठीक है, यानी ज़दे आम मौजूद हो, वो बात जो सबकी ज़ुबान पर हो, एट द स्कूल, स्कूल के अराउंड द स्कूल, स्कूल में शोर बपा था, दैट ग्रेसन फादर हैड सेल्ड ऑन द टाइटैनिक, के ग्रेसन के वालिद जो हैं वो बैरी सफ़र पर थे और टाइटैनिक में सफ़र कर रहे थे, एंड दैट नो न्यूज़ हैड येट, एंड दैट और के नो नहीं न्यूज़ खबर येट, अगरचे अभी तक कोई खबर कम आई, थ्रू एज टू हिज फेट, यानी उनके मुकद्दर के हवाले से, उनके नसीब के हवाले से, उनकी किस्मत के बारे में अभी तक कोई खबर मौसूल नहीं हुई, यानी ये पता नहीं चल रहा था अभी तक कि ग्रेसन के जो वालिद हैं या जो ग्रेसन का बाप है वो बच गया है, या उन लोगों में जो है वो डूबने वाले लोगों में जो है वो मौजूद है या नहीं है, उसके बचने के हवाले से अभी तक कोई खबर मौजूद नहीं थी और ना आई थी। ग्रेसन वाज एक्सक्यूज्ड लेसन,
एक्सक्यूज्ड होता है छोड़ देना, माफ कर देना, एक्सक्यूज्ड मीन होता है छोड़ देना। इसके लिए सिनोनिम हम यूज करते हैं स्पेयर, और उसके बाद हम लगाते हैं सिनोनिम के तौर पर लेट ऑफ, यानी ग्रेसन को उस दिन के असबाक छोड़ दिए गए, उस दिन के असबाक की मुआफ़ी दे दी गई, ग्रेसन से कोई काम ना पूछा गया। फॉर अ होल डे द स्कूल सेंटर्ड इमोशनली, इमोशनली होता है यानी मरकज रहना, जज्बाती तौर पर पूरे दिन जो है वो स्कूल का जो मरकज था वो जज्बाती तौर पर जो है वो अपॉन हिज एंग्जाइटीज यानी पूरे दिन स्कूल ने जो है वो जज्बाती तौर पर उसकी परेशानी को अपना मरकज बनाए रखा, हर कोई उसके साथ नरमी से पेश आ रहा था। हमारे पास एंग्जाइटीज इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसके लिए जो मीनिंग है वो होता है बच जाना, ठीक है। इसके लिए मीनिंग है हमारे पास परेशानियां, और इसके लिए हम लगाते हैं वरीज, फिक्रमंद होना या जो है वो परेशान होना किसी भी बात के हवाले से, ठीक है। फॉर अ होल डे द स्कूल सेंटर्ड इमोशनली अपॉन हिज एंग्जाइटीज, देन केम न्यूज़, फिर खबर आई दैट हिज फादर हैड बिन अमंग दोज रेस्क्यूड, कि उनके वालिद उन लोगों में से थे, रेस्क्यूड मीन होता है जिनको बचा लिया गया या बच जाना, उनके वालिद उन लोगों में शामिल थे, उन लोगों में मौजूद थे जिनको बचा लिया गया था या जो बच गए थे, उन लोगों के अंदर उनका शुमार था। चिप्स शुक हैंड्स विद द बॉय, चिप्स ने लड़के के साथ हाथ मिलाया, वेल अच्छा, आई एम डिलाइटेड, डिलाइटेड होता है हैप्पी को कहते हैं, ठीक है, मैं खुश हूँ, मुझे जो है वो खुशी है, ग्रेसन आ हैप्पी एंडिंग, कि एक अच्छा और खुशगवार इख्तिताम हुआ, कि अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे अब्बा जान जो है वो बच गए हैं। यू मस्ट बी फीलिंग प्रिटी प्लीज्ड विद लाइफ, यू तुम मस्ट बी लाजमन होगे फीलिंग महसूस कर रहे होगे, प्रिटी काफ़ी, इनफ, प्लीज्ड होता है अच्छा, ठीक है, विद लाइफ यानी तुम जिंदगी के साथ जो है वो बड़े खुश होगे, या ज़िंदगी से बड़े खुश होगे, या तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा महसूस कर रहे होगे, या यस सर, हाँ जनाब, ठीक है। अ क्वाइट नर्वस बॉय, एक बिल्कुल परेशान हाल लड़का, एक फिक्रमंद लड़का, एंड इट वाज ग्रेसन सीनियर, और ये ग्रेसन सीनियर ही था, नॉट जूनियर, जूनियर नहीं था, विद होम, जिसके साथ, चिप्स वॉज डेस्टाइंड, चिप्स के मुकद्दर में था, लेटर बाद में, टू कंडोल, ताजियत करना, इम्पॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम के लिहाज से कंडोल, कंडोल मीन होता है ताजियत करना, अफसोस करना, दुख का इजहार करना, सेम्पथाइज भी होता है, सेम्पथाइज मीन होता है दुख का जो है वो इजहार करना या हमदर्दी से पेश आना, ताजियत करना। ये ग्रेसन सीनियर ही था जिससे बाद में मिस्टर चिप्स के नसीब में था ताजियत करना, या बाद में मिस्टर चिप्स ने जिससे ताजियत की थी। इस लाइन को ज़रा आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अ क्वाइट नर्वस बॉय, एक बिल्कुल परेशान हाल खामोश तबा लड़का, एंड इट वॉज ग्रेसन सीनियर, और ये ग्रेसन सीनियर था, नॉट जूनियर, जूनियर नहीं था, विद होम, जिसके साथ, चिप्स वॉज डेस्टाइंड, चिप्स के नसीब में था, लेटर बाद में, टू कंडोल, ताजियत करना। बेसिकली इस लाइन का जो बेसिक मफहूम है वो कुछ यूं है, या इससे हम एक जो है वो राय कायम करते हैं कि ग्रेसन जो सीनियर है वो ग्रेसन जूनियर का यानी यंग ग्रेसन का फादर था। अब बाद में हुआ यूं कि ग्रेसन जूनियर जो है वो मर गया था, और उसके मरने पर जो है वो मिस्टर चिप्स को ग्रेसन सीनियर से ताजियत करनी पड़ी थी। अब देखें ना, मतलब टाइटैनिक के हादसे में जो है वो ग्रेसन सीनियर तो बच गया था, यानी वो मौत के मुंह से वापस आ चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, उसके जो है वो बेटे की यानी जूनियर ग्रेसन की डेथ हो चुकी थी, और फिर
जो है वो मिस्टर चिप्स को ताज़ियत करनी पड़ी थी ग्रेसन सीनियर से जो है वो उसके बेटे के इंतकाल पर। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हवाले से बात करेंगे, यहाँ तक हमारा 10 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हवाले से, हु वॉज ग्रेसन एंड वट वाई वॉज ही नर्वस, ग्रेसन कौन था और वो परेशान क्यों था। ग्रेसन वॉज अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स, ग्रेसन जो है वो मिस्टर चिप्स का क्या था, स्टूडेंट था। ग्रेसन वॉज अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स का तालिब इलम था और जो है वो ग्रेसन फादर हैड सेल्ड ऑन द टाइटैनिक और ग्रेसन के जो वालिद हैं वो टाइटैनिक पे सवार थे, वो टाइटैनिक पे सवार थे, ठीक है। और जब टाइटैनिक डूबा था तो जो लोग बच गए थे उन बच जाने वाले लोगों में ग्रेसन के वालिद का भी शुमार होता था, यानी ग्रेसन वाज अ यंग बॉय, ग्रेसन वाज अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स जो है वो ग्रेसन जो है वो फादर वाज सेल्ड ऑन टाइटैनिक बट जो है वो लकीली ही वाज अमंग दोज हु वर रेस्क्यूड, जिनको बचा लिया गया था एंड ग्रेसन वाज डिलाइटेड ऑफ इट, और ग्रेसन इस बात से बड़ा खुश था। नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट वर द पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस इन द अर्ली 20th सेंचुरी, इब्तदाई 20वीं सदी के अंदर पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस कैसे थे, यानी सियासी हालात कैसे थे। तो इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं कि इन अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है, यानी इट वॉज एन एडवर्डियन एज, एडवर्डियन टाइम पीरियड था, इसके अंदर जो है वो स्ट्राइक्स थी, लॉकआउट्स थे, शैम्पियन सपर्स थे, अनलॉक जो है वो अनएम्प्लॉयड मार्चेस थे, चाइनीज लेबर, टैरिफ रिफॉर्म, HMS ड्रेडनॉट, मार्कोनी, होम रोल फॉर आयरलैंड, डॉक्टर क्रिपन और सेफ्रेजेट्स द लाइन ऑफ चटालजिया, ये तमाम तर पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस थे जो इस टाइम पीरियड के अंदर या इस दौर के अंदर वकू पजीर हुए या जो अकर हुए थे। तो यहाँ पे इन तमाम तर जो है वो इवेंट्स के बारे में बात की गई है और यही हमारे पास जो है पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस थे इन अर्ली 20th सेंचुरी। जो अर्ली 20th सेंचुरी है ये किसका ज़माना था, एडवर्डियन एज थी, जो है वो एडवर्ड, किंग एडवर्ड का दौर था। इसके बाद हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो करेक्शन के पॉइंट्स पे बात करेंगे कि हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट करेक्शन है। आज हम थोड़ा सा इस चीज़ के हवाले से भी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास करेक्शन के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे। अच्छा जी, सेंटेंस है, दिस पेन इज माय, इसको हमने क्रैक करना है। इसके अंदर सबसे पहले तो हमें जो है वो ट्रेस आउट करना पड़ेगा कि इसके अंदर मिस्टेक कहाँ पे है। इस जुमले के अंदर हमारे पास इस जुमले के अंदर जो मिस्टेक है वो माय है। माय बेसिकली हमारे पास होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा जी, तो पोजेसिव एडजेक्टिव के फौरन बाद किसी भी नाउन का यूज होना जरूरी होता है, किसी भी नाउन का आना जरूरी होता है, लेकिन यहां हमारे पास नाउन मौजूद नहीं है माय के बाद, तो इसलिए ये सेंटेंस क्या है, गलत है। जो करेक्ट सेंटेंस होगा, दिस पेन इज माइन, ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है। हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, माइन का इस्तेमाल करना है। अब माइन बेसिकली क्या होता है, माइन बेसिकली हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन के फौरन बाद हम नाउन का इस्तेमाल नहीं करते। पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का इस्तेमाल होना या इस्तेमाल करना जरूरी होता है। ही स्पीक्स एज इफ ही इज मैड,
he speaks as if he is mad. अच्छा जी, हमारे पास यहां पे जो मिस्टेक है सेंटेंस के अंदर वो इज है, बिकॉज क्योंकि हम जो रूल तय करते हैं वो किसकी बुनियाद पे होता है, वो एज इफ की बुनियाद पे है। हम ये कहते हैं असूल के तहत कि जब सेंटेंस के अंदर एज इफ आ जाए तो इसके साथ हम वर्ब का यूज करते हैं। एज इफ के साथ किसका यूज किया जाता है, वर्ब का यूज किया जाता है। ही स्पीक्स एज इफ ही वर मैड, ही वर मैड, ही वर मैड एज इफ। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि ही के साथ हम हमेशा किसका यूज करते हैं, वॉज का यूज करते हैं, वॉज का यूज करते हैं। लेकिन बेसिकली अब यहां पे हमने जो रूल तय किया है वो एज इफ के मुताबिक किया है। अगर जुमले में एज इफ आ जाए तो सब्जेक्ट कोई भी हो, वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी हो या इट हो, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। उसके बाद सेंटेंस देखिएगा, शी मेट मी इन द वे, शी मेट मी इन द वे। इसके अंदर हमारे पास जो मिस्टेक है बेसिकली वो प्रेपोजिशन की है। वो किसकी है, प्रेपोजिशन की है। बेसिकली इन द वे नहीं होता, ऑन द वे होता है। ही मेट मी ऑन द वे, मेरी रास्ते में उससे मुलाकात हुई, यानी मेट मी ऑन द वे। ये होता है, इन द वे गलत है, इसका इस्तेमाल हम गलत कर चुके हैं, ये गलत होता है इसका इस्तेमाल। वी शुड नॉट हेट द पुअर्स, वी शुड नॉट हेट द पुअर्स, यहां पे सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो मिस्टेक है वो पुअर्स की है। बेसिकली जो पुअर है, पुअर का जमा भी पुअर ही होता है, सिंगुलर में भी पुअर होता है और इसका प्लूरल भी क्या होता है, पुअर होता है। वी शुड नॉट हेट द पुअर, हमें गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए या हमें गरीबों से बुरा रवैया इख्तियार नहीं करना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में सेंटेंस है, ही नोज स्विमिंग, ही नोज स्विमिंग swimming, basically यहां पे हम देखेंगे कि जहां पे skill हो, कोई भी मुहारत हो, तो उसको जाहिर करने के लिए हम how to का use करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। He knows how to swim, he knows how to swim। इसी तरह कोई और जुमला आप देख लें, he knows writing नहीं, he knows how to write, he knows reading नहीं, he knows how to read
ठीक है, ही नोज हाउ टू जो है वो मेड या मेड कोई भी मतलब स्किल जो होती है उसको जाहिर करने के लिए है हम हाउ टू का यूज करते हैं। क्या करते हैं? हाउ टू का यूज करते हैं और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आगे वो फर्स्ट कंडीशन के अंदर आ जाती है चीजें, ठीक है। उसके बाद है दिस इज द लास्ट न्यूज, दिस इज द लास्ट न्यूज। बेसिकली लास्ट न्यूज गलत होता है, तो इसके साथ लास्ट न्यूज नहीं होता बल्कि होता है लेटेस्ट न्यूज। दिस इज द लेटेस्ट मीन होता है ताजा तरीन, यानी खबर के लिए लास्ट न्यूज नहीं होता, वो जो भी होगी वो 10 घंटे पहले हो, 20 घंटे पहले हो, जितनी देर पहले भी हो, और लेकिन वो सबसे अगर आखिर पर होगी तो वो क्या कहलाएगी? लास्ट न्यूज नहीं कहलाएगी बल्कि क्या कहलाएगी? लेटेस्ट न्यूज कहलाएगी। आज के लिए हमारा इतना ही था, ये पॉइंट्स और इसके अंदर ये चैप्टर नंबर 10, इसकी आपने इसको ट्रांसलेट भी कर लेना है और इसके साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सिनोनिम्स वो तैयार करने हैं, और इसके साथ आपने ये जो करेक्शन के कुछ पॉइंट्स थे इनको भी आपने जो है वो रिवाइज कर लेना है और इसे आपने अपने रिटन फॉर्म में भी लिख लेना। बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।